आज मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में बताऊंगा। इसके लिए हमारे पास एक प्लेन बोर्ड है, उसके ऊपर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट और ये थर्ड कोऑर्डिनेट है। इसके लिए हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक ट्रायंगल है जिसके एक वर्टेक्स ए, ये बी और ये सी है। सबसे पहले हम लोग अब ए के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है और y 1, 2 और y 2 है। अब हम लोग b के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, 1 और c के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, 1, 2, 3, 4 और इसके y के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. अब हम लोग इसको 90 डिग्री रोटेशन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास ए डैश है, ये बी डैश और ये सी डैश है। अब सबसे पहले हम लोग ए डैश की कीमत, ए डैश के और कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, 1, 2, -2 और वाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। अब हम लोग सी के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, 17. और साथ नेगेटिव की नंबर यानी माइनस और वाई की 1, 2, 3, 4। अब हम लोग इसको इस ट्रायंगल को 180 डिग्री रोटेशन करेंगे। के लिए ये हमारे पास ए है, ए डबल डैश, ये बी डबल डैश और ये सी डबल डैश। सबसे पहले हम लोग ए के डबल डैश के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और वाई 1, 2, 2। अब हम लोग बी डैश के, बी डबल डैश के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12। सी डबल डैश के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 2 और वाई के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 अब हम इस टाइम के इसके कॉल मालूम कर, ये है हमारे पास ए डबल डैश, ये बी डैश और ये सी डैश है। अब हम लोग ए डैश के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, 1, 2, 2 वाई के और एक्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इसके हैं। अब हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 एक्स और वाई के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. अब हम लोग सी के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 एक्स के और वाई के 1, 2, -2 ओके।
लेफ्ट।